ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था, फ़ोन कॉल्स और पेमेंट का हिसाब रख रहा था। सुबह 9:30 से शाम के 7 बजे तक पूरा जो मेरा दिन था वो कस्टमर की गाली सुनने में निकल जाया करता था, और मैं शाम को घर आके खाना खा के सो जाया करता था। और जब छुट्टी होती थी तो दिन भर बस टीवी देखना, अब यही मेरा डेली रूटीन बन चुका था। सोशल मीडिया तो बस अब मैं नाम के लिए यूज़ कर रहा था। कब दोपहर हुई और कब शाम हुई इस बात की तो खबर तक नहीं थी, और बस दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। और एक दिन मैं जब शाम को 7 बजे ऑफिस से छूटा तो घर जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन ट्रेन लेट थी तो मैं प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए अपना मोबाइल निकाला और फेसबुक ऑन कर दिया। अब मैं आपको बता दूँ कि मुझे फेसबुक मैसेंजर पर कभी भी किसी के भी मैसेज नहीं आते, लेकिन उस दिन देखा तो मुझे फेसबुक मैसेंजर पर एक मैसेज आया हुआ था। तो मैंने जब मैसेज चेक किया तो ये उसका मैसेज था जिससे मेरी 2 साल तक कोई भी बात भी नहीं हुई थी। पहले भी हम बस FB पर चैट ही किया करते थे, और जब सामने आ जाए तो बस अजनबी बन जाया करते थे। अब ये उसका मैसेज था जिसके लिए एक ज़माने में मेरे दिल में कुछ फीलिंग्स हुआ करती थी, और अब इन 2 सालों के दौरान जब हम दोनों की बातें बंद थी तो उसके लिए जो फीलिंग्स थी वो दिल के किसी कोने में दब चुकी थी, और मैं उस शख्स को भूलता जा रहा था। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इन 2 सालों के दौरान मैं हर त्यौहार और उसके हर बर्थडे पर उसे मैसेज भेजकर विश किया करता था। लेकिन मेरी बदकिस्मती से उसका फेसबुक 2 साल बंद होने के कारण मेरे भेजे हुए मैसेज कभी उस तक पहुँचे ही नहीं। तो मैंने भी ये मान लिया था कि शायद हम दोनों की फिर से कभी बात नहीं होगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। पूरे 2 साल के बाद उसका मैसेज आया था और उसने पूछा, हाय कैसे हो? तो मैंने भी रिप्लाई किया, ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? दोस्तों, मैं नहीं जानता था कि उस मैसेज और उस रिप्लाई से मेरी ज़िंदगी में आगे जाकर बहुत सी चीज़ें बदलने वाली थी। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी मैं फिर किसी दिन सुनाऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।